से बोला आराम से। नीलकमल जी, क्या प्रोजेक्ट चल रहा है आजकल आपके? आजकल तो एल्बम आ रहे हैं और एल्बम में लगा हुआ हूँ, वेब कंपनी से सारा एल्बम मेरा आ रहा है। और अब 4-5 एल्बम आए, इसके बाद अभी हाल ही में एल्बम रिलीज हुआ है प्यार हो गई, जिसमें मैंने 10 गाने गाए हैं और आप सबके काफ़ी प्यार मिल रहा है। और इसके बाद उसका शूटिंग होने वाला है, शूटिंग करने वाला हूँ मैं। कौन सा गाना उसमें हिट है, सबसे अच्छा कौन सा गाना लगता है उसमें आपको? गाना है, गाया हूँ मैं ललकी उड़निया से, जरा मुझे पसंद बताइए, है, गा के काफ़ी मैंने बताइए। दिल से गाया है। अरे ललकी ओढ़निया से झलके बदनिया बड़ा नीक लगेला, अरे ललकी ओढ़निया से झलके बदनिया बड़ा नीक लगेला, कि तोहर सुरह के जवनिया बड़ा हर नीक लगेला। जिया जिया, नीलकमल जी, ये सब गाने आपने कहाँ सीखे? बचपन से ही आपको रुचि थी या किसी गुरु के द्वारा? मैं तो बचपन से, माँ सरस्वती की कृपा है, मैंने कोई गाना सीखा नहीं ज़्यादा, तो थोड़ा थोड़ा बस सुन सुन के अच्छा अच्छा गाना सुनता हूँ और हारमोनियम भी बजाता हूँ, माँ सरस्वती की कृपा है। और घर के लोग सपोर्ट किए, शुरू शुरू में मेरा एल्बम आया था 2004 में, मैंने गाना गाया था मौसी के चुम्मा लेला पपावे तो कहा माई से, जरा ये एक गाना लाइन काफ़ी हिट बताइए। रहा। वो गाना था, उस समय मैं छोटा था, 10 साल का था, तो उस समय गाना ही चला था। कि आज देही भंडा फोरी बधराई ताहर चोरी, अरे ना मांगबू हम पैसा लेके और ना ही मांगो मिठाई से, हम मौसी के चुम्मा ले लो हा पापा, अरे आवे दको हब माई से। नीलकमल जी, आपको सबसे अच्छा गाना किस सिंगर का लगता है भोजपुरी में? भोजपुरी में तो सिंगर, अच्छे सिंगर तो बहुत सारे हैं, सभी अच्छे गाते हैं। मनोज बाबा हैं, पवन भैया हैं, और कल्पना मैम हैं, और खेसारी जी भी अच्छा गाते हैं, लाइव अच्छा गाते हैं, जो इनका पसंद है। तो सिंगिंग तो सबकी अच्छी है। कल्लू भी है हमारे बक्सर के, हमारे पास के ही हैं, वो भी अच्छा गाते हैं। जिनको दर्शकों ने पसंद किया वही अच्छा गाते हैं, तो सबका प्यार सबको मिला। हम भी चाहेंगे कि हमको भी ऐसा प्यार मिले, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। वैसे तो बहुत दिन से गा रहा हूँ, लेकिन आप लोग के सामने आने के प्रयास में हूँ। मनोज तिवारी की क्या क्या खास बातें आपको अच्छी लगती है? मनोज बाबा का आवाज़ में जादू है, वो बोलते हैं जो मुस्कुराते हैं, तो उनका मीठी चेहरा आवाज, और मीठी आवाज़ है तो उनमें तो, और एक्टिंग भी बहुत मस्त करते हैं, बस अच्छी अच्छे हैं वो। आज रेणु दिनेश लाल यादव सुपरस्टार है। हाँ, दिनेश लाल यादव जी को तो एक्टिंग का आप जो सिंगर है तो क्या आप भी हीरो बनना चाहते हैं? अब भोजपुरी में तो यही ट्रेंड चल रहा है कि सिंगर अच्छे हों तो हीरो बन सकते हैं, तो हम भी एक बार हेले के फेराम दानी। तो प्रतिभा पांडे जी अभी कितनी मदद कर रही हैं? प्रतिभा जी तो हमारे साथ एल्बम में काम की हैं और काफ़ी सपोर्ट करती हैं, मेरा जब भी शूटिंग होता है तो वो आती हैं, शूटिंग करती हैं, फिर चली जाती हैं, और उसके बाद सब चल रहा है। दर्शक लोग हमारे प्रतिभा पांडे जी के साथ मुझे पसंद कर रहे हैं, प्रतिभा पांडे जी को भी पसंद कर रहे हैं, तो क्या करेगा अपन, दर्शक लोग खुश बात तो ठीक है। मम्मी पापा कितना सपोर्ट करते हैं आपके? मम्मी पापा तो बचपन से ही मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और काफ़ी सहयोग किए हैं, उन्होंने हमारा एल्बम बनवाया और काफ़ी पब्लिक का प्यार मिला और काफ़ी स्नेह मिला, अब बस चल रहा है अच्छे ऐसे ही। तो आगे क्या अभी संघर्ष चल रहा है आपका? आगे अब एल्बम चल रहा है, एल्बम के बाद मूवी वूवी का काम सोच रहा हूँ कि एक तो करूँ, मैं भी देखता हूँ बढ़िया हो तो तो। भोजपुरी में किस डायरेक्टर के साथ काम करना चाहते हैं सबसे पहला? भोजपुरी में अब विधाता पिक्चर एगो आई रहे, हैरी फर्नांडिस जी बानी, असलम रविंद्र शेख जी बानी, राजकुमार पांडे जी बानी, जे जहाँ मिल जाओ सब ठीक बा अपना अपना जगह पे। तो चलते चलते दर्शकों से क्या कहेंगे आप? चलो चलो, यह कब कि एल्बम आई बटे प्यार हो गई लोकार में, हर गाना बा बहुत टाइप के गाना बटे, तो अगर वो सब सुनी जाए और वीडियो भी आ रहा होगा जल्दी, आप सब देखी जाओ के फिर नया एल्बम भी आ रहा होगा सावन के बोलबम के हमारे, ओकर भी ओके भी सुनो जरूर सब। आ हो सकता कि ये साल में फिल्म भी आ जाओ, आप सबके आशीर्वाद रही तो कई जैसा कि लेगा। आपने बताया प्यार हो गई, तो अभी तक आपको भी किसी से प्यार हुआ है? यार तो रेडी, प्यार तो भइले बा, तभी तो गाना गवाई बा, बिना प्यार के गाना कहाँ गवाई। तब तो
हो जाए तो कुछ फाइनल देखे अभी यही तरह बा अभी बुझाता थे कुछ कन्फर्म हो जाए तो हरे याची कन्फर्म कर रानी जी तो ठीक बा सब चल रहा बाटे ज्यादा ज्यादा अपने के हिट गाना को गुनगुना दीजिए को हिट गाना बा एक एल्बम आई हमारे आई रहा भोजपुरिया रंग बाजू कर गाना गौले रही आप सबको प्यार काफी मिलल हो गाना के कियर पियावा से नीक बात कियावा हो हर पियावा से नीक बात कियावा हो कबहू बेमार ना होला हर रात भर करी ताई अरिया हो हर रात भर करी ताई अरिया हो तबहू तैयार ना होला पियावा से नीक बात किया हो।